कथा नंबर 50 5050 शीर्षक है त्रिलोक मंडन हाथी। बात रामचंद्र जी के समय की है। एक था हाथी, बहुत ही बड़ा हाथी, बहुत ही सुंदर हाथी। एक बार लंका के राजा रावण को श्री सम्मेद शिखर क्षेत्र देखकर बहुत खुशी हुई। अतः उसने पर्वत के पास ही अपना पड़ाव डाला और वहीं कुछ समय के लिए रुक गया। वहां एकाएक मेघ गर्जना के समान एक गजराज की आवाज सुनाई देने लगी। लोग भय से यहां वहां भागने लगे। लश्कर के हाथी घोड़े आदि भी डर से चीत्कार करने लगे। रावण ने इस कोलाहल को सुनकर देखा कि एक बहुत ही विशालकाय और अत्यंत बलवान हाथी झूमता झूमता आ रहा है। यह उसकी ही गर्जना है और उससे ही डरकर लोग भाग रहे हैं। हाथी बहुत ही सुंदर था। उस मदमस्त हाथी को देखकर रावण खुश हुआ। उसे उस हाथी के ऊपर सवारी करने का मन होने लगा। वह हाथी को पकड़ने के लिए हाथी के सामने गया। रावण को देखते ही हाथी भी रावण की ओर ही दौड़ने लगा। लोग आश्चर्य से देखने लगे कि अब क्या होगा। राजा रावण बहुत ही बहादुर था। गज केली में अकेले ही हाथी के साथ खेलने की कला में होशियार था। पहले उसने अपने कपड़ों का गट्ठा बनाकर हाथी के सामने फेंका। जब हाथी उस कपड़े के गट्ठे को सूंघने के लिए रुक गया, तभी रावण छलांग मारकर उस हाथी के मस्तक के ऊपर चढ़ गया और उसके कुंभ स्थल पर मुट्ठी से प्रहार करने लगा। हाथी घबरा गया। उसने सूंड ऊपर करके रावण को पकड़ने की बहुत चेष्टा की, फिर भी रावण उसके दोनों दंत शूल के बीच से सरक कर नीचे उतर गया। इस प्रकार रावण ने कई बार हाथी के साथ खेलकर हाथी को थका दिया और फिर रावण हाथी की पीठ पर चढ़ गया। जैसे हाथी भी राजा रावण को समझ गया हो, इस तरह शांत होकर विनयवान सेवक की भांति खड़ा हो गया। रावण उसके ऊपर बैठकर पड़ाव की ओर आया। वहां चारों ओर उसकी जय जयकार होने लगी। रावण को यह हाथी बहुत अच्छा लगा, इसलिए उसे वह लंका ले गया। लंका जाकर उस हाथी की प्राप्ति की खुशी में उत्सव मनाकर उसका नाम त्रिलोक मंडन रखा। रावण के लाखों हाथियों में वह प्रमुख हाथी था। जब रावण सीता का हरण करके ले गया, तब राम लक्ष्मण ने लड़ाई करके रावण को हराया और सीता को लेकर अयोध्या आए। उसी समय लंका से उस त्रिलोक मंडन हाथी को भी साथ ले आए। राम लक्ष्मण के 42 लाख हाथियों में वह सबसे बड़ा हाथी था और उसका बहुत मान था। राम के भाई भरत अत्यंत वैरागी थे। जैसे शिकारी को देखकर हिरण भयभीत होता है, उसी प्रकार भरत का चित्त संसार के विषय भोगों से अत्यंत भयभीत था और वे संसार से विरक्त होकर मुनि होने के लिए उत्सुक थे। जिस प्रकार पिंजरे में कैद सिंह खेद खिन्न रहता है और वन में जाने की इच्छा करता है, उसी प्रकार वैरागी भरत गृहवास रूपी पिंजरे से छूटकर वनवासी मुनि बनना चाहते थे, लेकिन राम लक्ष्मण ने आग्रह करके उन्हें रोक लिया। उन्होंने उदास मन से कुछ समय तो घर में बिताया, लेकिन अब वे रत्नत्र रूपी जहाज में बैठकर संसार समुद्र से पार होने के लिए तैयार थे। एक बार भरत सरोवर के किनारे गए हुए थे।
गजशाला में बंधा त्रिलोक मंडन हाथी एकाएक किसी कारण क्षुब्ध होकर गर्जना करने लगा और साकल तोड़कर भयंकर आवाज करते हुए भागने लगा। हाथी की गर्जना सुनकर अयोध्यावासी भयभीत हो गए। हाथी तो दौड़ने लगा, राम लक्ष्मण उसे पकड़ने के लिए उसके पीछे दौड़ने लगे। दौड़ते दौड़ते वह हाथी सरोवर के किनारे जहां भरत थे वहां आया। लोग चिंतित हो गए, हाय हाय अब क्या होगा। रानियां और प्रजाजन रक्षा के लिए भरत के पास आए। उनकी मां कैकेयी भी भय से हाहाकार करने लगी। वह दौड़ता हुआ हाथी अचानक भरत के पास आकर खड़ा हो गया। भरत ने हाथी को देखा और हाथी ने भरत को देखा। बस भरत को देखते ही हाथी एकदम शांत हो गया और उसे जाति स्मरण ज्ञान हो गया। उससे उसने जाना कि अरे हम दोनों मुनि हुए थे और फिर छठवें स्वर्ग में दोनों साथ थे। अरे रे पूर्वभव में मैं और भरत साथ में ही थे, परंतु मैंने भूल की, उससे मैं देव से पशु हुआ। अरे इस पशु पर्याय को धिक्कार है। भरत को देखते ही हाथी एकदम शांत हो गया और जैसे गुरु के पास शिष्य विनय से खड़ा रहता है, वैसे ही भरत के पास हाथी विनय से खड़ा हो गया। भरत ने प्रेम से उसके माथे पर हाथ रखकर मूक स्वर में कहा, अरे गजराज तुम्हें यह क्या हुआ? तुम शांत हो, यह क्रोध तुम्हें शोभा नहीं देता। तुम चैतन्य की शांति को देखो। भरत के मधुर वचन सुनते ही हाथी को अपूर्व शांति मिली। उसकी आंखों में से आंसू गिरने लगे। वह वैराग्य पूर्वक विचार करने लगा कि अरे अब पश्चाताप करने से क्या लाभ। अब मेरा आत्मकल्याण हो और मैं इस भव दुख से मुक्त हों, ऐसा उपाय करूंगा। इस प्रकार परम वैराग्य का चिंतन करते हुए हाथी एकदम शांत होकर भरत के सामने टुकुर टुकुर एक टक देखते हुए खड़ा रहा, जैसे कह रहा हो, हे बंधु तुम पूर्वभव के मेरे मित्र हो। पूर्वभव में स्वर्ग में हम दोनों साथ थे। अब मेरा आत्म कल्याण कराकर इस पशुगति से मेरा उद्धार करो। वाह रे वाह, धन्य हाथी, तुमने हाथी होकर भी आत्मा के कल्याण का महान कार्य आरंभ कर दिया। पशु पर्याय में होने पर भी अब तुमने परमात्मा को समझने के लिए अपना शेष जीवन लगा दिया। अहो गजराज धन्य हो तुम्हें। हाथी को एकाएक शांत हुआ देखकर लोगों को बहुत आश्चर्य हुआ। अरे यह क्या हुआ, भरत ने हाथी के ऊपर कैसा जादू किया, वह एकाएक शांत कैसे हो गया। भरत उसके ऊपर बैठकर नगरी में आया और हाथी को गजशाला में छोड़ दिया। अब महावत उसकी खूब सेवा करते, उसे मोहित करने के लिए संगीत बजाते, उसको प्रसन्न करने का उपाय करते। लेकिन आश्चर्य की बात तो यह है कि हाथी अब कुछ खाता नहीं, संगीत आदि पर भी ध्यान नहीं देता, सोता भी नहीं, क्रोध भी नहीं करता, वह एकदम उदास ही रहता है। अपने आप में आंख बंद करके शांत होकर बैठा रहता है और आत्महित की बात ही विचारता रहता है। जाति स्मरण पूर्वक वह अपने आत्मा को प्राप्त करके अब संसार और शरीर से अत्यंत विरक्त हो गया। इसी प्रकार खाए पिए बिना ही एक दिन हो गया, दो दिन हो गए, चार दिन हो गए। तब महावत ने राजा रामचंद्र के पास आकर कहा, हे राजन, यह हाथी चार दिन से कुछ भी नहीं करता, ना कुछ खाता पीता है, ना सोता है और ना ही क्रोध करता है। शांत होकर बैठा रहता है और पूरे दिन ना जाने किसका ध्यान करता है।
उसे रिझाने के लिए हमने बहुत प्रयत्न किए, लेकिन उसके मन में क्या है पता ही नहीं चलता। बड़े बड़े गज वैद्यों को दिखाया, वे भी हाथी के रोग को नहीं जान सके। यह हाथी अपनी सेना की शोभा है, यह बड़ा बलवान है, इसे एकाएक यह क्या हो गया वह हमारी समझ में नहीं आता, इसलिए आप ही कोई उपाय कीजिए। इसी समय अचानक एक सुंदर बनाव बना। अयोध्या नगरी में दो केवली भगवंत पधारे, उनके नाम थे देशभूषण और कुलभूषण। राम और लक्ष्मण ने वनगमन के समय वंशधर पर्वत पर इन युगल मुनिवरों के उपसर्ग को दूर करके बहुत भक्ति की थी, और उसी समय उन दोनों मुनिवरों को केवल ज्ञान प्राप्त हुआ था। वे जगत के जीवों का कल्याण करते हुए अयोध्या नगरी में पधारे। भगवान के पधारने से पूरी नगरी में आनंद ही आनंद छा गया, सब उनके दर्शन करने के लिए चले। राम, लक्ष्मण, भरत और शत्रुघ्न भी उस त्रिलोक मंडन हाथी के ऊपर बैठकर उन भगवंतों के दर्शन के लिए आए और धर्मोपदेश सुनने के लिए बैठे। भगवान ने सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र रूप मोक्ष मार्ग का अद्भुत उपदेश दिया, उसे सुनकर सभी बहुत आनंदित हुए। त्रिलोक मंडन हाथी भी उन केवली भगवंतों के दर्शन से बहुत ही प्रसन्न हुआ और धर्मोपदेश सुनकर उसका चित्त संसार से उदास हो गया। उसने अपूर्व आत्म शांति प्राप्त की। उसने भगवंतों को नमस्कार करके श्रावक के व्रत अंगीकार किए। धन्य है गजराज तुमको, तुमने आत्मा को समझकर जीवन सफल बनाया। तुम पशु नहीं देव हो, धर्मात्मा हो, देवों से भी महान हो। बालको, देखो जैन धर्म का प्रताप, एक हाथी जैसा पशु का जीव ही जैन शासन प्राप्त करके कितना महान हो गया। तुम भी ऐसे महान जैन शासन को प्राप्त करके हाथी की भांति आत्मा को समझकर उत्तम वैराग्यमय जीवन जियो। भगवान का उपदेश सुनकर महाराज लक्ष्मण को यह जानने की जिज्ञासा हुई कि यह त्रिलोक मंडन हाथी पहले गजबंधन तोड़कर क्यों भागा और फिर भरत भैया को देखकर एकाएक शांत क्यों हो गया। तब भगवान की वाणी में आया कि भरत का जीव और हाथी का जीव दोनों पूर्व भव में मित्र थे। उनके पूर्व भव का वृत्तांत इस प्रकार है, उसे सुनो। भरत और त्रिलोक मंडन हाथी दोनों जीव बहुत भव पहले भगवान ऋषभदेव के समय में चंद्र और सूर्य नाम के दो सगे भाई थे। मारीची के मिथ्या उपदेश से कुधर्म की सेवा करके दोनों ने बंदर, मोर, तोता, सर्प, हाथी, मेंढक, बिल्ली, मुर्गा आदि बहुत भाव धारण किए और दोनों ने एक दूसरे को बहुत बार मारा। कई बार भाई हुए, फिर पिता पुत्र हुए। इस प्रकार भाव भ्रमण करते करते कितने ही भाव बाद भरत का जीव तो जैन धर्म प्राप्त कर मुनि होकर छठे स्वर्ग में गया और यह हाथी का जीव ही पूर्व भाव में वैराग्य प्राप्त करके मृदुयति नाम का मुनि हुआ। एक बार एक नगर में दूसरे एक महारिद्धिधारी मुनिराज पधारे। वे बहुत गुणवान और तपस्वी थे। उन्होंने चातुर्मास में 4 माह के उपवास किए और फिर चातुर्मास पूरा होने पर अन्यत्र विहार कर गए। तभी उस नगर में मृदुयति मुनि हाथी का जीव आए। तब भूल से लोगों ने उन्हें ही महातपस्वी समझ लिया और सम्मान करने लगे। उन्हें ख्याल आया कि लोग भ्रम से मुझे रिद्धिधारी तपस्वी समझकर मेरा आदर कर रहे हैं। ऐसा जानते हुए भी मान अथवा कहें घमंड के वश में उन्होंने लोगों को सच्ची बात नहीं बताई कि वे तपस्वी मुनिराज तो दूसरे थे और मैं दूसरा हूं।
अतः यह मायाचार करने का परिणाम उनकी त्रिंच गति के बंध का कारण बना। लेकिन मुनिपने के प्रभाव से वह जीव वहां से मरकर प्रथम तो छठे स्वर्ग में गया। भरत का जीव भी वहां था, वे दोनों देव मित्र थे। विशेष यहाँ ध्यान देने योग्य बात यह है कि यहाँ कथा में जो लिखा है कि मायाचार के कारण से उसे प्रथम तो त्रेंच गति के बंध का बंध हुआ और फिर मुनिपने के प्रभाव से वह देव में गया। ऐसा यदि इसका अर्थ कोई निकाले कि जब त्रेंच आयु बन गई तब तो वहाँ ही जाना चाहिए, देव में कैसे गया, तो यहाँ इसका सामान्य भाव यह समझना चाहिए कि उसके त्रेंच गति का बंध हुआ है तो गति अलग चीज है और आयु अलग चीज है। यदि गति बंधी है तो कोई समस्या नहीं है, लेकिन त्रेंच आयु बंधी होती तो उसको त्रेंच में ही जाना पड़ता, चेंज होना संभव नहीं, एक आयु से दूसरी आयु में संक्रमण होना संभव नहीं है। इसलिए यहाँ गति की मुख्यता से ही स्थूल रूप से कहा ऐसा समझना चाहिए। आगे बढ़ते हैं। भरत का जीव भी वहाँ था, वे दोनों देव मित्र थे। उनमें से एक तो इस अयोध्या का राजपुत्र भरत हुआ है और दूसरा जीव मायाचारी के कारण यह हाथी हुआ है। उसके मनोहर रूप को देखकर लंका के राजा रावण ने उसे पकड़ लिया और उसका नाम त्रिलोक मंडन रखा। देशभूषण केवली की सभा में अपने पूर्वभव की बात सुनकर वैरागी भरत ने वहीं जन दीक्षा धारण कर ली और फिर केवल ज्ञान प्रकट करके मोक्ष प्राप्त किया। उनका मित्र त्रिलोक मंडन हाथी भी संसार से विरक्त हुआ। उसने भी आत्मानुभव प्रकट करके श्रावक के व्रत अंगीकार किए। वाह, हाथी का जीव श्रावक बना, पशु होने पर भी देवों से भी महान बना और अब अल्प काल में मोक्ष प्राप्त करेगा। श्री देशभूषण केवली प्रभु की वाणी में आई हाथी की सरस बात सुनकर राम लक्ष्मण आदि सभी आनंदित हुए। हे भव्य पाठको, तुम्हें भी आनंद आया होगा और हाँ, तुम भी हाथी के समान अपनी आत्मा को जिन धर्म में लगाओगे और मान माया आदि सभी प्रकार के विकारी भावों को छोड़ोगे तो तुम्हारा भी कल्याण होगा। हाथी और भरत के पूर्वभव की बात सुनकर राम लक्ष्मण आदि सभी को आश्चर्य हुआ। भरत के साथ 1000 राजा भी जिन दीक्षा लेकर मुनि हुए। भरत की माता कैकेयी भी जिन धर्म की परम भक्त बनकर वैराग्य प्राप्त कर आरिका हुई। उनके साथ 300 स्त्रियों ने भी पृथ्वीमती माता जी के पास जिन दीक्षा ली। बाद में सीता जी ने भी उन पृथ्वीवती माता जी के ही संग में आरिका दीक्षा ली थी। त्रिलोक मंडन हाथी का हृदय तो केवली भगवान के दर्शन से फूला नहीं समा रहा था। पूर्व भव को सुनकर और आत्मज्ञान प्राप्त करके वह एकदम शांत हो गया था। अब सम्यक दर्शन सहित वह हाथी वैराग्य पूर्वक रहता और श्रावक के व्रतों का पालन करता, 15-15 दिन या महीने महीने भर के उपवास करता। अयोध्या के नगरजन बहुत वात्सल्य पूर्वक उसे शुद्ध आहार पानी के द्वारा उसको भोजन कराते। ऐसे धर्मात्मा हाथी को देखकर सब उसके ऊपर बहुत प्रेम करते। अनशनादि तप करने से धीरे धीरे उसका शरीर दुर्बल होने लगा और अंत में धर्म ध्यान पूर्वक देह छोड़कर वह छठवें स्वर्ग में गया और अल्प काल में मोक्ष प्राप्त किया। बालको, हाथी की सरस चर्चा पूरी हुई। उसे पढ़कर तुम भी हाथी जैसे बनो, हाथी जैसे मोटे नहीं लेकिन हाथी जैसे धर्मात्मा हो जाओ। आत्मा को समझकर मोक्ष की साधना करो।